सुजानपुर शहर के वार्ड नंबर 1 में ठेकेदार द्वारा लगाया गया गली का निर्माण कार्य वार्ड के पार्षद को पसंद नहीं आया है और पार्षद ने निर्माण कार्य पर रोक लगवा दी है और कहा कि जब तक निर्माण कार्य के दौरान गुणवत्ता वाली टाइलें और नियमानुसार काम नहीं होता तब तक कार्य नहीं लगेगा और जो कार्य अब तक किया गया है उसे नए सिरे से करवाया जाएगा। इसके साथ साथ वार्ड पार्षद ने गली निर्माण में लगे ठेकेदार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि संबंधित ठेकेदार मनमानी से कार्य कर रहा है। निर्माण कार्य छुट्टी वाले दिन शुरू किया गया ताकि गुणवत्ता और जो नियम बनाए गए हैं वे सभी तार तार हो सके। वार्ड पार्षद ने ठेकेदार के ऊपर उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करके भी आरोप लगाया है। नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 के पार्षद रमन भटनागर जो पूर्व में नगर परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि नगर परिषद अधिकारी उपमंडल अधिकारी उपायुक्त हमीरपुर एवं प्रदेश मुख्यमंत्री के पास लिखित रूप से शिकायत देंगे और संबंधित ठेकेदार ने अब तक जो निर्माण कार्य किए हैं जो गलत तरीके से हुए हैं सभी की जांच करवाई जाएगी। वार्ड पार्षद ने कहा कि नगर परिषद का पैसा लोगों के जनहित का पैसा है जो सही इस्तेमाल होना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी के साथ कार्य होना चाहिए ताकि पैसे का सही इस्तेमाल हो सके। उधर निर्माण कार्य जाँच के लिए पहुँचे नगर परिषद अध्यक्ष अशोक मेहरा ने भी निर्माण कार्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो भी निर्माण हुआ है वह सही नहीं है, नए सिरे से निर्माण कार्य होगा। इस विषय पर जब ठेकेदार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 3 माह का समय मिला है, उसके भीतर ये कार्य पूरा कर दिया जाएगा। निर्माण कार्य में या निर्माण सामग्री में किसी भी तरह की किसी को कमी लगती है तो वह इसकी जांच करवा सकता है। तमाम चीजों की गुणवत्ता के प्रमाण पत्र उनके पास है। शनिवार को जब छुट्टी थी, जब ना ईओ थे ना जेई थे, ना इसने वार्ड मेंबर को बुलाया और काम शुरू कर दिया। ये आपके सामने है, गली नहीं उखाड़ी और इसके ऊपर टाइलें डाल दी। जब आज हम मौके पर आए तो वो गुंडागर्दी पर उतर आया कि मैं काम नहीं करूंगा, वार्ड मेंबर कर रहे हैं, काम क्या है। इन्होंने पहले जो गलत काम किए पहले उन्होंने इनको नोटिस निकाले थे। एक गली मेरे बाद में इन्होंने बनाई थी जो मोन्टा के विकास माने के साथ बनी थी, वहां आज तक पानी नहीं निकलता है। तब इन्होंने बड़े हाथ पांव जोड़े थे, पेमेंट ले ली थी हमारी कमेटी से, पर आज तक उस गली का पानी नहीं निकलता है। एक बार 4 नंबर वार्ड में 22 प्रेसिडेंट की गली में पुरानी टाइलें डाल दी थी, वो भी मैंने जाकर उसको उखाड़ी थी। इस टाइलों की क्वालिटी देखिए आप, ऊपर से नीचे फेंक दो, 4 टुकड़े हो रहे हैं। और ये जो ठेकेदार ये गुंडागर्दी पर गुंडागर्दी दस्ते हैं और अपनी पार्टी का रूप बताते हैं कि जो करना है कर लो, परंतु हम भी बेईमानी नहीं होने देंगे। जब पैसा दिया कमेटी का, लोगों को पैसा है, और बाद में बने क्या काम नहीं देखना, जेई ने काम नहीं देखना, ईओ ने काम नहीं देखना। शनिवार को क्या जरूरत थी काम लगाने की, सोमवार को लगाता, इससे पहले लगा लेता। आपके सामने ये गली बन रही, लोगों का पानी जाएगा, गाड़ियां नहीं निकलेगी, और गुंडागर्दी कह रहा है कि मैं 4 महीने काम नहीं करूंगा। मैं इसकी शिकायत लिख ईओ साहब को दूंगा, एसडीएम डीसी मीरपुर सीएम को दूंगा, और इसके जो भी काम है सब कामों की चेकिंग की जाए। गली उखाड़ के बननी थी 8 इंच, वो उखाड़ी नहीं गई है, इसको काम को हमने बंद करवा दिया है, इसको उखाड़ेंगे फिर तभी गली बन। शिकायत मिली थी 1 लाख का। ये अपना राणा जी के घर थे, दो पहले इसको उखाड़ा जाएगा, जो पीछे गई तो उखाड़ा जाएगा 8 इंच, उसके बाद उसके ऊपर टाइल डाली जाएगी, नाली बनेगी, सब कुछ बनेगा, हर चीज। तभी टेंडर लेते हैं वो, तभी काम लेते हैं, ऐसे कैसे काम लेंगे। इसको उखाड़ा जाएगा, दोबारा काम करवाया जाएगा। कितने दिन पूछी।